दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच लगातार घमासान जारी है। उपराज्यपाल ने सीएम को 6 पन्नों का लेटर लिखकर नाराजगी जाहिर की है। एलजी सक्सेना ने कहा कि आपके मंत्री मर्यादा लांघ रहे हैं, वे अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भाग रहे हैं। पलटवार करते हुए सीएम केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि आज एक और लव लेटर आया है। इससे पहले 6 अक्टूबर को केजरीवाल ने ट्वीट किया था कि एलजी मुझे रोज जितना डांटते हैं उतना मेरी पत्नी भी मुझे नहीं डांटती। पिछले 6 महीने में एलजी ने जितने लव लेटर मुझे लिखे उतने पूरी जिंदगी में मेरी पत्नी ने भी नहीं लिखे। बता दें कि एलजी सक्सेना ने कहा कि मैं अपने कर्तव्यों का पालन करता हूं, जनता से जुड़े तमाम मुद्दों को उठाता हूं, लेकिन दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता अनर्गल बयानबाजी करते हैं। आप नेता लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। एलजी सक्सेना ने कहा कि लेटर में आगे कहा कि आपके मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति 2021 को असफल मानकर वापस ले लिया है। मैंने इस नीति को लेकर जांच के आदेश दिए थे। इस मामले में अब तक 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। क्या मैंने जांच के आदेश देकर कुछ गलत किया है? अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा, एलजी साहब थोड़ा चिल करो और अपने सुपर बॉस को भी बोलो कि थोड़ा चिल करे। केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहे हैं कि एलजी केंद्र के इशारों पर काम कर रहे हैं और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के काम में अड़ंगा डाल रहे हैं। वहीं कुछ दिन पहले एलजी वीके सक्सेना ने केजरीवाल को पत्र लिखा था। इसमें एलजी ने इस बात पर नाराजगी जताई थी कि गांधी जयंती के मौके पर केजरीवाल या उनकी सरकार का कोई भी मंत्री राजघाट या विजय घाट नहीं गया। एलजी ने इसे प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया। पत्र में लिखा कि इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाता है। कार्यक्रम के अतिथियों को जो नियंत्रण पत्र भेजा गया था वो दिल्ली के मुख्यमंत्री के नाम से जाता है। ऐसे में सीएम या किसी मंत्री का गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि पर न जाना गलत है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने 1 अगस्त 2022 को ऐलान किया था कि पुरानी शराब नीति लागू होगी। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कहा केंद्र ने इस पॉलिसी में सीबीआई की एंट्री करा दी जिससे कोई भी ठेका लेने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम नई व्यवस्था लागू नहीं करेंगे। बता दें कि दिल्ली सरकार की नई शराब नीति के तहत 5 प्रमुख फैसले लिए गए। पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटकर हर जोन में 27 लीकर वेंडर रखने की बात कही गई। इसमें फैसला लिया गया कि दिल्ली सरकार अब शराब बेचने का काम नहीं करेंगे। अब दिल्ली में शराब बेचने के लिए सिर्फ प्राइवेट दुकानें होगी। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी। शराब दुकानों के लिए लाइसेंस देने की प्रोसेस को आसान और फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।